भी क्या हालचाल है, कैसे बैठे हैं पे? कहाँ से आ रहा है निकल? स्कूल के पीछे से गया था घूम के, थोड़ा आगे स्कूल बोले गया था मैंने। बैठ गया। कैसे यार, क्या सुनूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ। कैसे क्या हुआ यार? एक चैनल है यूट्यूब चैनल, और उसमें ना मतलब व्यूज वगैरह नहीं आ रहे। वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ लेकिन व्यूज वगैरह नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ यार अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, और सबसे पता नहीं कैसे लोग देख नहीं रहे मेरे को, इसलिए यार बहुत परेशान था। टेंशन मतलब चैनल तो अपना चलने लगेगा अच्छी, वीडियो नेगेटिव चैनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं चल जाएगा, ऐसे मायूस होती और टेंशन में भी चैनल चल जाएगा। चल देखते हैं यार। चलो ठीक है ना, मैं चलता हूँ, अभी लेट है ना भैया। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक, ओके ओके, ठीक। और नितिन, अरे क्या हाल है भैया? और रचित? बढ़िया। और सुनाओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यार, क्या बताऊँ तुझे मैं। एक चैनल चल रहा है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा। और मेहनत भी काफ़ी कर रहा हूँ लेकिन वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे यार। बड़ा परेशान हूँ यार उसको लेकर। करो मेहनत, करो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। यार मैं चाह रहा हूँ ना कि तू मेरी हेल्प करे यार। बताओ किस तरह की हेल्प चाहिए? हेल्प क्या, बस मेरे चैनल को यार तुम लोग सपोर्ट करो यार थोड़ा मिलके। चलिए थोड़ा सा सपोर्ट करोगे चैनल को, चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा यार, मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा। चलो देखते हैं। चलो आप तुम्हारा वैसे ही है तो फायदा तो करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। यार मेरी हेल्प करनी है नितिन। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है ना? हाँ, तो मैं जैसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? फिर मैं तेरे को पूरी डिटेल बताऊंगा हेल्प का, तो उस तरीके से फिर थोड़ा सा यार हेल्प करेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है राजेश। नितिन भाई, सच में हेल्प करेगा क्या तू? क्या हेल्प है, ऐसे तो मेरे पास रोज आते रहे हैं। अब तुझे भी पता आज की डेट में कौन किस कितनी हेल्प कर रहा है, इतना टाइम ही ना किसी के पास। कहने को तो दुनिया कह रही है ये मैटर, इतनी छोटी छोटी बातों पे कहाँ हेल्प करूंगा मैं किसी की। मदद ना करनी थी भैया की? तो क्या मदद करनी है, फालतू का टाइम फोड़ रहा उस चीज पे जहाँ हमारा कुछ लेना नहीं देना नहीं। और तेरी मेरी बात तो खैर अलग है भाई, तुझे जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूँ, मुझे जरूरत पड़े लगी कल को तू खड़ा रहेगा। अरे यार ये किसका फोन आ लिया? हेलो, हाँ राजेश। अरे यार पैसे वैसे करवा देता यार, बड़ा टाइम हो रहा है यार। तन मतलब थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी यार तुम तो यार, बिल्कुल वो कर रहे हो, पीछे लगा रखा है बिल्कुल ही। कब तक हो जाएगा यार ये, घर में जरूरत पड़ रही है यार मेरे भी। अच्छा फिर कैसे करें? पर दिक्कत होगी तेरे घर में होगी, मुझे थोड़ी मतलब इस चीज़ से। भाई किसी भी हालत में मुझे शाम तक पैसा करवा दे, नहीं तो देख ले फिर अपना सिस्टम क्या है। अरे यार पता नहीं है शाम तक पैसा देगा ना देगा। अरे यार ये कहाँ से आ गया यार, एक सा पीछा छूटा ना दूसरी मुसीबत हो रहा थी सामने। चल और भैया क्या हाल है? बढ़िया नितिन, और बता। यार मैंने एक हेल्प के लिए बोला था, हेल्प नहीं हुई। अच्छा, हाँ आपने रेस्टोरेंट में बताया था मुझे उस टाइम पे कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो यार कर दो यार भाई हेल्प उसमें। भैया इन कामों में टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो जाता ये, ठीक है? और होगा मैं दो चार दिन में कर दूंगा आराम से। यार तुम जितना लेट करोगे ना मुझे उतना ही फिर देर लगेगी उसमें। ऐसा भैया मेरा चल रहा है दिमाग ख़राब, ठीक है? अब किसी वजह से चल रहा है तो अभी मैं थोड़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? जब होगा मैं अपना आप कर दूंगा तो मैं बता दूंगा भैया मैंने कर दिया ये काम, ठीक है ना? तो अभी मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा करोगे तो भैया मेरे बस की ही नहीं है, साफ बता के चलूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे काम जो मेरे खुद के काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे। मैं दूसरों की हेल्प तो जब करूंगा, मैं नहीं कर पा रहा मैं। भैया कर दीजिए हेल्प। भैया तू कौन है? एक से ही परेशान हुआ है दूसरा, जो तू तुझे काय हेल्प चाहिए? एक मिनट तू तुझे क्यों हेल्प चाहिए अब? अब तुझे किस चीज की हेल्प चाहिए? नितिन सुन मेरी बात सुन। हां भाई हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मांग लिया तुम्हारी हेल्प, तुमने हेल्प मांगी, ठीक है हम हेल्प करने के लिए तैयार है। ये है कौन फिर ये?
किसे ले आते हो तुम ऐसे इसको उठा के? हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हमारा वैसे दिमाग खराब है। एक काम करो, आप लेके चले जाओ उसे, हम जो करेंगे खुद कर लेंगे। ठीक है, कोई बात ना, चलो भैया। अरे यार, वहाँ से पैसों की इतनी जरूरत पड़ रही है ना मुझे रहा ऐसी। हेलो, हाँ भाई, पैसे वैसों का क्या जुगाड़ है? हुआ ना अभी जुगाड़? अब कौन मर गया यार तेरे घर में? यार पैसों का नाम पे तुम्हारे घर में कोई भी मर जा। ठीक है, चल देख ले अपने काम, ने टाइम मिला का तो आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या कहूँ यार इनसे भी। अब ये रचिता मिला हूँ, रचित दे भाई, ये तो हेल्प कर सके इस टाइम पे, काम करना भी जरूरी है। हेलो, हाँ रचित, कहाँ है भाई? आ जा, ये पेड़ के नीचे खड़ा, आ जा आ जा जल्दी, थोड़ा काम सा, जल्दी आ। और नितिन? आगे रचित, क्या हाल है? बढ़िया भैया। और सुना, बढ़िया, बता क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये आ रही यार, एक को मैंने पैसे दिए। अच्छा। वो कल देने वाला था, पर कल से वो उसका मतलब सिस्टम बिगड़ा पड़ा है कि दो चार दिन में कर दूंगा। आज फोन कर रहा हूँ तो घर में उसके किसी की डेथ हो गई है, और मुझे जो है कमेटी जमा करनी है भाई, और ना करी तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, और अर्जेंट मुझे तेरे से चाहिए यार। 10,000 रुपये तो मेरे पहना भी। अच्छा, और भी देख भाई, मैं तेरी अभी मदद कर भी ना पाऊँगा, क्योंकि देख ऐसे आजकल कौन किसकी मदद करे भाई, क्यों बता। और ये सब तो भाई नितिन मैंने तुझसे सीखा है। नहीं, वो चीज़ तो ठीक है, पर भरोसा तो मुझे तेरे पे ही है, तू ही मेरी हेल्प कर सकता है भाई। पैसे तो मेरे तो है ही ना, कहाँ से दूँ तुझे पैसा था। चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल चल ठीक है, कर लियो कहीं से जुगाड़। हाँ, आप करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। अरे नितिन, कैसे? अरे हाँ भैया, की भैया क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, और कैसे खड़ा है यहाँ पे? कुछ ना, बस परेशान सा थोड़ा सा। क्या हुआ? थोड़ा पैसे वैसों की जरूरत सी पड़ रही, एक को दिए वो, खैर उसके यहाँ डेथ वगैरह हो गई है, फिर एक से मेरा हेल्प मांगे, हेल्प हुई नहीं। ये तो एक बात तो बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? मुझे ना कमेटी जमा करनी है, मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा नहीं होती उस टाइम। 10,000 रुपये? हाँ 10,000 यार, आज की डेट में कोई देने लायक नहीं। 10,000 तो नहीं है मेरे पास यार, मेरे पास कुछ पैसे पड़े तो हैं, मैं देखता हूँ। देख लो भैया, हो जाए तो 5,000 के करीब है ये। 5,000 रुपये हैं भाई, अगर इनसे तेरी कोई हेल्प हो सकती है तो तू इनसे हेल्प ले लियो, ठीक है? बाकी तू अपना अरेंजमेंट कर ले, मैं तेरे को ये पैसे दे सकता हूँ। भैया अब थोड़ा शर्मिंदगी सी तो लग रही है कि मैं किसी टाइम पर मैं क्या मैं हेल्प के लिए बोला गया था, खाली एक सपोर्ट के लिए। खैर ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ही बोला गया था, पर खाली एक सपोर्ट के लिए चाहता था, मैं कर सकता था वो, कोई बात पर नहीं। आज इस टाइम पे तुम इतने बुरे टाइम पे मेरे काम आ रहे हो, इस टाइम पे तो खुद ही मुझे गिल्टी सा महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, ये पैसे पकड़। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा मेरे भाई, कि हम पता क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई हेल्प करेगा, ठीक है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी हमने किसी की हेल्प नहीं की, ठीक है ना? जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम जाते हैं उसके पास, वो हेल्प के लिए मना कर देता है। तो कभी आज तक हमने ये नहीं सोचा कि कभी लाइफ में हमने कभी किसी की हेल्प की है, नहीं सोचा किसी ने। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई पहले खुद हेल्प के लिए आगे बढ़ो, और जब उम्मीद करो कि कोई हमारी हेल्प करेगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम हेल्प करोगे ना, तो एक ना एक दिन तुम्हारी हेल्प के लिए ऊपर वाले ने ना कोई ज़रूर रख रखा है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ भाई, बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है। धन्यवाद, कोई बात नहीं, जल्दी लौटा देता हूँ, जैसे आ जाएंगे मेरा मैं लौटा दूँगा। कोई बात नहीं, दे देना, ठीक है।